बस्ती जिले से बड़ी खबर है। एसओजी टीम और एटीएस के हत्थे चढ़ा अफीम तस्कर। करोड़ों की कीमत का अफीम हुआ बरामद। करीब 8 किलो 290 ग्राम अफीम हुई बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में है करोड़ों के ऊपर अफीम की कीमत। एसओजी टीम प्रभारी जनार्दन प्रसाद और एटीएस प्रभारी सूरज कुमार तिवारी की संयुक्त टीम ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बगल सर्विस लेन से दो अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्मैक तस्कर पकड़े गए हैं। सर, क्या कुछ जानकारी? ये दिनांक 17 मार्च को थाना कोतवाली की टीम, एटीएस यूनिट गोरखपुर की टीम और हमारे एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये एक सेंट्रो कार सफेद रंग की थी, उसमें 8 किलो 290 ग्राम अवैध अफीम जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1 करोड़ है, उसको बरामद किया गया। इसमें इनसे पूछताछ में बताया गया इन्होंने कि ये नेपाल के बॉर्डर से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं और आगे ले जाके बेचते हैं। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित। कहाँ ये लेके जा रहे थे इसको? ये सुनने में आ रहा है अध्याय इसको लो। ये नहीं, ये गोरखपुर से लखनऊ और आगे के डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे, तो इनसे उसके बारे में पूछताछ हुई है, उसके बारे में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये गोरखपुर से लखनऊ की तरफ रोड से जा रहे थे। इसमें चुनाव को दृष्टिगत हमारी एफएसटी और एसएसटी की टीम एक्टिवेट हो गई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।